का रहता है और एक मामला आया है हम लोगों के संज्ञान में, और अच्छी बात यह है कि जो प्रचार प्रसार हुआ था, लोगों को जागरूक किया गया था, उसको देखते हुए वो समय गवाए बिना पीएचसी पर पहुंचे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सकरा में हमारे, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो प्राथमिक उपचार होता है वो करते हुए, और सीरियस था बच्चा तो उसको मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया एम्बुलेंस से, मेडिकल कॉलेज में बच्चा पहुंचा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जनरली ये चमकी बुखार का हम लोगों का मई के अंत में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती है उस समय शुरू होता है, लेकिन उसके पहले भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इक्का दुक्का केस आते रहते हैं, जैसा कि एक्सपर्ट लोग बता रहे थे, हमारे डॉक्टर्स लोग, तो उस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। और सभी पीएचसी में हम लोगों ने इसके लिए दो बेड अलग से बनाया हुआ है, एसी रूम है उसमें बेड है इस तरह के, और दूसरा हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि पूरे ज़िलेवासियों को इस तरह का जब भी कोई लक्षण आए तुरंत नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, तुरंत पहुँचें और वहाँ उसका सारी व्यवस्था है, दवा भी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है ये भी लगाया हुआ है, बेड भी है, अच्छी व्यवस्था सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, अगर बच्चा ठीक हो गया तो अच्छी बात है, और कोई सीरियस कुछ होता है तो उसको मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, यहाँ वहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा।